कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। ये तस्वीरें देखिए, ये गड्ढा कहीं खेतों में नहीं बना, बल्कि ये गड्ढा है सतना चित्रकूट स्टेट हाईवे नंबर 11 पर। गड्ढा छोटा मोटा नहीं, बल्कि 12 फीट गहरा और 500 मीटर लंबा। अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रोड पर चलना कितना खतरनाक है। फिलहाल सतना में हल्की फुल्की बारिश हुई है तो इसमें पानी भर गया और बच्चों ने इसे अपना स्विमिंग पूल बना लिया और लगे नहाने। दरअसल इस गड्ढे को बने एक साल से ऊपर हो गए। इसे खोदा गया था सीवर लाइन डालने के लिए, लेकिन जिस कंपनी के हवाले सीवर लाइन डालने की जिम्मेदारी थी वो टर्मिनेट हो गई। अब ये गड्ढे वाली सड़क यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। लोगों की गाड़ियां गिर रही है, लोग चोटिल हो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं और अधिकारी अभी सो रहे हैं। गड्ढा जो है 19 जनवरी से और तब से लेके अभी तक मैं कई बार कंप्लेंट डाल चुका हूँ मुख्यमंत्री जो अपना 181 पे, उसके बाद भी अभी तक कंप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। दुकान है हमारी, ये रेंटेड है, उसका किराया भाड़ा लग रहा है, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। इसमें गिर भी पड़ा हूँ मैं, अपने हाथ में चोट भी लग गई है, तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं। और जानवर भी आ जाते हैं, बच्चे आते हैं, नहाते हैं यहाँ पर आके, और खतरा है बच्चों के लिए, खतरा बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी है, कोई भी गिर सकता है इसमें आके। 25x15 फुट का गड्ढा है ये, 25 फुट गहरा, 15 फुट चौड़ा गड्ढा है, पुराना गड्ढा है, लगभग ये 20-30 फीट गहराई का गड्ढा है। यहाँ पर लोगों को आवाजाही में बहुत तकलीफ होती है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते हैं, कुछ लोग साइकिल वगैरह से आके कार दो बार गिर भी चुके हैं। कई बार इसकी शिकायत नगर निगम और स्थानीय लोगों से किया गया, लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। लगातार लोगों को परेशानी हो रही है, बारिश के चलते यहाँ पर और भी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ये कौन सा रूट है? ये चित्रकूट हाईवे है, नेशनल हाईवे माना जाता है, लेकिन ये काफ़ी समय लगभग 5-6 महीने से हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। पूरी तरीके से इसको ओपन कर दिया गया है, बस हो गया, लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो सामना करना पड़ रहा है। क्या कभी कोई दुर्घटना भी हुई है? दुर्घटनाएं भी होती हैं, कई बच्चे आते जाते रहते हैं यहाँ से, ऐसे रास्ते में कार दो बार गिरे हैं, किसी के पैर में चोट आई है, कई ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये प्रशासन से कई बार इसके लिए स्थानीय लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है, CM हेल्पलाइन में कंप्लेन भी किया गया, लेकिन अभी तक कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये एक साल से खाना हुआ गड्ढा है पूरा, CM हेल्पलाइन किए शिकायत, नगर निगम भी किए, यहाँ पे कई बार दुर्घटना भी घट चुकी है, गाय भी मर चुकी हैं, नगर निगम बोले तो उठा ले गए हैं, और ये लड़के यहाँ पे कूदते काटते हैं, और ये गाड़ी घोड़ा 2-3 बार यहाँ पे घुस गई हैं। बताइए, इस तरह भरोसा चल रहा है नगर निगम का, सरकार का बताते सिल्वर लाइन इस तरह खोदा जाता 25-25-30-30 फुट गड्ढा। दिक्कत है, दिक्कत अब आप देख लीजिए, दिक्कत है आना जाना पब्लिक का, रात भी रात कोई आता है घुस जाता है, फिर कैसे आदमी निकल जाता है। हम तो देख रहे हैं एक साल से जानलेवा गड्ढा है ही है, यहाँ पे बच्चे कूदते हैं रात के दिन के। अभी ऑटो अभी एक घंटा पहले ऑटो देखो डिवाइडर गिरा पड़ा, बाइक किया है ऑटो घुस गई। इस रोड को लेकर ना नगर निगम के अधिकारी कुछ कह रहे हैं और ना ही PWD के। 2017 में जब CM शिवराज अमेरिका दौरे पर गए थे, उन्होंने वहां दावा किया था कि MP की सड़कें अमेरिका की सड़कों से बेहतर हैं, लेकिन शायद मामा शिवराज ने इस सड़क को नहीं देखा होगा। ये सड़क देख ले तो CM भी माथा पीट ले। अब इंतजार अधिकारियों के नींद से जागने का है। अगर अधिकारी नींद से नहीं जागे तो यहां हमेशा बड़े हादसे होने की आशंका बनी रहेगी। सतना से योगी तारा की रिपोर्ट, MP तक।